एपिसोड थ्री के स्टार्टिंग में एपिसोड वन और एपिसोड टू का रिकैप दिखाते हैं एपिसोड का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस एपिसोड में गिल्ड वर्ड बहुत बार यूज होगा गिल्ड का मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका इंटरेस्ट सेम होता है तो एपिसोड स्टार्ट होता है और सारिया सेची से पूछती है कि हमें सबसे नज़दीक वाले शहर में जाना चाहिए ना सेची कहता है कि अगर हम एक बार किसी एडवेंचर गिल्ड में खुद को रजिस्टर कर लेंगे तो हमें हमारे आइडेंटिटी का प्रूफ मिल जाएगा और सैची मन में बोलता है कि और मैं अपने दोस्तों से भी मिल पाऊँगा रास्ते में उन्हें एक स्लाइम मिलता है सैची उसका लेवल चेक करता है और उसका लेवल 88 होता है सैची सोच रहा होता है कि स्लाइम तो सबसे वीकेस्ट होते हैं फिर भी इनका लेवल 88 कैसे है तभी वो स्लाइम उस पर हमला कर देता है साइची उसके हमले से बचता है और उसे तलवार की मदद से बीच में से काट देता है सारिया उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रांग हो साइची खुद से बोल रहा होता है कि क्या मैं एक मॉन्स्टर बनने लगा हूँ वो स्लाइम दो बूट्स और दो कार्ड्स में बदल जाता है साइची वो बूट्स सारिया को पहनने के लिए दे देता है और कार्ड्स अपने पास रखता है जैसे ही वो कार्ड्स को छूता है तो अनाउंसमेंट होता है कि स्किल्स एब्जॉर्ब एंड कंप्रेस एक्वायर्ड और उसका लेवल अप हो जाता है तभी उसके हेलमेट में से लाइट निकलने लगती है वो हेलमेट को जैसे ही उतारता है वो एक जैकेट में बदल जाता है उसमें से एक लेटर भी मिलता है और वो जैसे ही लेटर को खोलता है उसमें से मिस्टर शीप निकलते हैं वह उसे लेवल अप होने के लिए बधाई देते हैं वह उसे बताते हैं कि उसका हेलमेट उसके साथ इवॉल्व हो गया है और ये लेटर अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और तभी वो लेटर फट जाता है जिससे साइची का बाल खराब हो जाता है सारिया साइची से पूछती है कि मैं इन बूट्स में कैसी लग रही हूँ वो बोलता है कि तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो तब वो शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं तभी एक टाउन को दिखाते हैं टाउन का गार्ड साइची और सारिया से पूछता है कि उनकी आइडेंटिटी कहाँ है तो वो बोलते हैं कि उनकी आइडेंटिटी खो गई है कहता है कि तुम दोनों अपना हाथ इस गोले पर रखो वह गोला जेम ऑफ ट्रूथ होता है और जो भी उसे छूता है तो वो बता वो बता देता है कि वो क्रिमिनल है कि नहीं साइची और सारिया दोनों ही उसे पास कर जाते हैं वो गार्ड्स उन्हें बोलता है कि तुम दोनों अपनी आइडेंटिटी जल्दी से बनवा लो तब साइची उसे बताता है कि हम तुरंत ही गिल्ड इशू करने जा रहे हैं गार्ड्स उन्हें बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना वो अपना नाम बताता है जो क्लाउड होता है फिर साइची और सारे भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं क्लाउड उन्हें बोलता है कि तुम्हारा रॉयल सिटी टेलबर्ट में स्वागत है वो शहर में घूम रहे होते हैं तभी उन्हें गिल्ड मिल जाता है साइची कह रहा होता है कि यह तो एक अच्छी जगह लग रही है पर क्लाउड ने तो कुछ और ही कहा था सैची अंदर झाँक के देखता है और उसे दिखता है कि वहाँ पर एक लड़की एक आदमी जिसने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे उसे हंटर से मार रही होती है सारिया सैची से पूछती है कि क्या हम अंदर नहीं जा रहे तो सैची वापस से देखता है और वह देखता है कि वह लड़की उस आदमी पे कैंडल का वैक्स गिरा रही होती है और बोल रही होती है कि और ज़ोर से चिल्लाओ उसे एक आदमी दिखता है जो एक बोतल को खा रहा होता है सैची को वहाँ पर कुछ और नमूने भी मिलते हैं सैची ये सब देख के हैरान हो जाता है और सारिया को कहता है कि हम कहीं और से अपना पहचान बनवा सकते हैं तभी उनके पीछे से उस गिल्ड का मास्टर आ जाता है वह बोलता है कि मैंने सुना कि तुम्हें क्या चाहिए तुम हमारे गिल्ड में रजिस्टर कर सकते हो और वह उन्हें अंदर लेके जाता है गिल्ड मास्टर उस लड़की को बताता है कि बहुत दिनों बाद कोई नया एप्लीकेंट आया है वह लड़की अपना ड्रेस बदल देती है और अपना नाम एरिस बताती है एरिस सैची से पूछती है कि अगर तुम हमारे गिल्ड में रजिस्टर कर रहे हो तो इसके पीछे कोई कारण होगा सैची से बताता है कि मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूँ सारिया सैची से बोलती है कि हमें इस गिल्ड में रजिस्टर कर लेना चाहिए वो बोलती है कि इन्हें देख लगता है कि ये बहुत ही मज़े करते हैं तो सैची उस गिल्ड में रजिस्टर होने के लिए मान जाता है तभी वहाँ पर तीन लोग आते हैं जो सैची को अपने साथ बाहर लेके जाते हैं वो सैची को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहते हैं सैची का चेहरा देखकर वो अपना कपड़े उतार देते हैं और उसे कहते हैं कि ये बस शुरू में दर्द देगा और उसके बाद तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी सैची को समझ आ जाता है कि ये सब ठरकी हैं और वो वहाँ से भागने लगता है वह दोनों उसका पीछा करते हैं लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं वह गिल्ड में वापस आ जाता है और गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि तुम ऐसे पहले हो जो उनसे बच के वापस आए हो सैची वो मास्टर से कहता है कि आप उन तीनों का कुछ करें एरिस बोलती है कि तुम दोनों हमारे लिए कुछ टेस्ट दो वो बताती है कि इस गिल्ड को ज़्यादातर फालतू ही मिलते हैं जैसे कि चीज़ को तबाह करना चीज़ इकट्ठा करना या कुछ अजीब करना ऐस बोलती है कि इसके लिए तुम्हारे पास बी या उससे ज़्यादा रैंक वाले एडवेंचरर चाहिए और वो बताती है कि अभी हमारे पास एक ही एडवेंचरर है तभी वहाँ पर वही एडवेंचरर आ जाती है गिल्ड मास्टर उसका इंट्रोडक्शन देता है उसका नाम आर्टोरिया होता है और रैंक ए होता है वो उनका टेस्ट लेने से मना करती है और बोलती है कि तुम भी यही चाहते हो ना? सच जी कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका टेस्ट कौन लेगा आर्टोरिया बाद में मान जाती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है वो बताती है कि उसका नाम आर्टोरिया ग्रम है वो कहती है कि पहले हम आउट जॉब्स करेंगे वो बताती है कि तीन और जॉब्स हैं पहला अनार्थों की मदद करना दूसरा एक बिल्डिंग को तबाह करना और तीसरा एक डॉग के साथ टहलना सारिया सैची से पूछती है कि क्या मैं अनार्थों की मदद करने वाला क्वेस्ट कर सकती हूँ सैची पूछता है कि क्या वो ये कर लेगी तो वो कहती है कि वो इसमें एक्सपर्ट है तभी एक बच्चे को दिखाते हैं जो लकड़ी से टकराकर गिर जाता है आर्टोरिया उसकी चोट पर दवाई लगा रही थी कि तभी वो लकड़ी उन पर गिर जाती है लेकिन वो बच जाते हैं फिर सैची को दिखाते हैं जो सेकंड क्वेस्ट करता है वो बिल्डिंग को अपने एक हाथ से ही तबाह कर देता है लेकिन वो बिल्डिंग उसी पर गिर जाती है आटोरिया सोच रही होती है कि वो मर गया है और ये सब उसी के कारण हुआ है तभी सैची वहाँ से सेफली से बाहर आ जाता है आटोरिया उसे कहती है कि तुम क्या बेवकूफ़ हो ऐसे ही कहीं भी अपनी ताकत मत दिखाया करो वह उसे बोलती है कि तुम्हें सारिया का भी ध्यान रखना है इसलिए ऐसी हरकतें मत करो फिर सीन शहर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर दो ट्रेनर्स बातें कर रहे होते हैं उनमें से एक कहता है कि मैं इनमें से एक को भी मरने नहीं देना चाहता यह एक ऐसी दुनिया से आए हैं जहाँ पे शांति है और हम इन्हें यहाँ पर डीमन लॉर्ड को मारने के लिए बोल रहे हैं मैं उन्हें वापस उस दुनिया में सेफली भेजना चाहता हूँ तभी हमें आर्टोरिया को दिखाते हैं जो सैची को बताते बताती है कि आखिरी टेस्ट वॉक डॉग है सैची बोलता है कि तब तो यह आसान होगा ना तभी हमें पता चलता है कि वो डॉग नहीं एक वुल्फ होता है सैची अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और वो वुल्फ की मालिक बोल रही होती है लगता है कि वो दोनों वहाँ पे बहुत मज़े कर रहे हैं वुल्फ की ओनर आटोरिया को बोलती है कि तुम तो बहुत ही बदल गई हो लगता है कि ये शैची की वजह से हुआ है आटोरिया ये सुनकर शर्मा जाती है और मना करती है करते हुए कहती है कि मैं बस उनका टेस्ट लेने के लिए आई हूँ शाम हो जाती है और गिल्ड का ओनर साइची और सारिया को कोर्स कंप्लीट करने पर एक रिवॉर्ड अपनी चड्डी से निकाल कर देता है वह उन्हें आराम करने के लिए कहता है एरिस उनसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास रहने के लिए घर है सैची कहता है कि तुम चिंता मत करो हम कहीं बाहर रह लेंगे तभी आर्टोरिया कहती है कि तुम मेरे घर में रह सकते हो और वह मान जाते हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग और यह एपिसोड फोर का रिव्यू 冒険者の試験に臨む中、謎の迷宮に転移させられてしまった俺たち、そこにいたのは魔王軍最強と言われる伝説のドラゴンだった次回、黒龍神の迷宮、アルトリアスーン